उत्तर प्रदेश के बलिया में एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में लगभग 20 लोग लाठी डंडे लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं किसी को मारने की बात करें। वीडियो की जब पड़ताल हुई तो पता चला मामला मनियार थाना क्षेत्र के देघेड़ा गाँव का बताया जा रहा है, जो कि पंचायत चुनाव के दिन हुए निवर्तमान प्रधान से नोकझोंक को लेकर के है। वहीं निवर्तमान प्रधान की दलील है कि हमारे गांव में ऐसी सीट हुई है और मैं किसी को सपोर्ट किया हूं और मैं चुनाव के दिन एक एजेंट था, किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई थी, पुलिस प्रशासन आई और समझा बुझाकर दोनों पक्षों को चली गई थी। लेकिन आज जो हमारे विपक्ष में एसटीसी से राजू गौर लड़ रहे हैं, उन्होंने लाठी डंडे लेकर हमें मारने के लिए दौड़े और मैं किसी तरह से भागकर दूसरे के घर में घुसकर जान बचाया। पुलिस हमारे लड़के को थाने ले गई, उन्होंने जान माल का खतरा भी बताया है। वहीं इसी ग्राम पंचायत पद के प्रत्याशी राजू गौर के घर वालों से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया, घर के लोगों ने बताया कि वह अभी नहीं है और निवर्तमान प्रधान शमीम ने अपने बड़े भाई बशीर से किसी बात को लेकर झगड़ा किया। जब बशीर से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई से मारपीट हुई थी, मेरे भाई ने मुझे मारा और मैं थाने गया, उसके बाद क्या हुआ हमें मालूम नहीं। अब यह देखना है कि पुलिस इस वीडियो को देखकर किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमी प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान हूँ, न्यू वर्तमान। आपके गांव में एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला बताएं। सर जी कल चुनाव था जिसमें हम लोग एजेंट थे, है ना, एक एसटी सीट हुआ है, एक हम लोग आदमी को सपोर्ट किए थे। जो कल झंझट हुआ था उसमें हम लोग पुलिस प्रशासन को समझा बुझा कर चली गई थी और आज एक राजू एसटी के प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। आज पूरा घर वालों ने लाठी डंडे भला लेकर और मेरे को लखेद लिए, कैसे भी जान बचा कर हम अपने एक हरजन के घर में जाकर छिप गए, नहीं तो आज वो लोग मार दिए होते, है ना। और पुलिस आई तो मेरे बच्चे को उठा कर लेके चली गई है। क्या उनके तरफ से भी किसी को उठा कर ले गई है? उनके तरफ से एक ही आदमी को ले गई है जी। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, आप प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं? प्रशासन के अभी मेरे जान का खतरा है, कभी वो मार सकते हैं, मेरे दरवाजे के सामने हैं वो लोग, चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। क्या अभी आपने एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया थाने पे? थाने पर नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं दिया, मेरे बच्चे को उठा ले गए वो लोग, है ना। हम डरे हैं कि कहीं मार भी दे रास्ते घाट में वो लोग। कौन उठा ले गया बच्चे को आपको? पुलिस वाले ले गए उनको। तो किससे डर रहे हैं आप? रास्ते घाट में जब घर पर चढ़ कर लाठी वाला से मारेंगे तो रास्ते भी मार सकते हैं वो लोग। कौन लोग हैं वो? वही राजू गौर है हमारे घर के सामने। कई लोग मैंने 20-30 लोग 40 लोग आए थे लाठी वाला लेकर मारने के लिए। हम कैसे भी डर के मेरे घर के पीछे हरजन आबादी उसमें जाकर लुका गया था, नहीं तो जान से मार देता है हमको। ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बशीर। कि क्या है पूरा मामला आपके यहाँ? मामला ये है कि हमारे उनके दोनों बीच झगड़ा हुआ था और कोई बात नहीं हुआ था, ये कुछ झगड़ा जो फालतू ये बात नहीं थी। हाँ, हमने पुलिस आई तो पुलिस के हमने ने, पुलिस ने आई थी और हम चले गए थाने पर, 100 नंबर क्या क्या लीक कर लेकर गई, हमको ये पता नहीं है जी। जी, और उसके बाद जो गुलबंदी लोग गाली के लोग लाठी डंडा निकला है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है? नहीं, ये कुछ नहीं है, झूठ बात है। ठीक।